अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह आपको साथ और आबाद रखे। तो वेलकम करती हूँ माई टेस्टी टेबल फूड में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन। मैंने ये 1/4 kg चिकन लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच भरकर दही ऐड किया है। इसे मैं मैरिनेट करूँगी। मैंने 3 चम्मच दही ऐड किया है, 1 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक, और मैं इसे मैरिनेट करूंगी हाथ से। चले, मैंने इसे मैरिनेट कर लिया है। इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। मैंने 1/2 गड्डी 2 गड्डी पालक ली है, इस तरह से छोटी पालक है। इसे मैंने 12 चॉप कर लिया है, और 3 से 4 खोपरे के टुकड़े हैं, गीला खोपरा है, 3 हरी मिर्च है। इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। पालक को मैं थोड़ा बॉईल कर लूँगी, फिर इसे मिक्सर में पीस लूँगी। पालक को मैंने बॉईल कर लिया है, अब इसे मिक्सी में पीसती हूँ। मैंने पालक को ग्राइंड कर लिए मिक्सी में। ये सब पाउडर मसाले जाएंगे इसमें। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है, स्वाद अनुसार नमक है, और ये 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल है, और 3 कांदा बारीक चॉप किया हुआ है। चले फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। चले, तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालूंगी 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल, उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 2 दालचीनी स्टिक है, वो भी ऐड कर दूंगी। जब जीरा थोड़ा तड़कने लगे तो इसमें मैं चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा जब तक हम इसे भूनेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहे उसमें बनाइए, बड़े डेगचे में बनाइए, हंडी में बनाइए, मुझे प्रेशर कुकर ही अच्छा लगता है। 4 एग बॉईल करने रखे हुए हैं, एक भी इसमें जाएंगे। प्याज ने हमारे कलर चेंज कर दिया है, इस तरह से लाइट पिंक हो गई है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने मैरिनेट में भी ऐड किया है, इसमें 1/2 चम्मच ऐड करूंगी। चिकन के मैरिनेट में भी मैंने 1 चम्मच भरकर ऐड किया है। जिंजर गार्लिक का कच्चापन दूर हो गया, मैं मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देती हूँ इसमें। आप सोचते होंगे कि पालक चिकन तो हर कोई बनाता है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से है। देखिएगा जरूर पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, और मेरी रेसिपी देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। मैंने मैरिनेट में किया है, फिर भी थोड़ा कम लग रहा है, तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। मैं चिकन मसाला ऐड करूंगी 1 चम्मच भरकर। तो मैं इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड करूंगी। 2 छोटे मीडियम साइज के टमाटर बारीक चॉप करके रखे वो ऐड करूंगी। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे भूनकर मैं 1 सीटी बजाने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए चिकन। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। 1 विसल आने तक इसे पकाऊंगी, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम पालक का मसाला डालेंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले फिर चेक करते हैं मेरे चिकन का क्या हाल है। मसाला अच्छी तरह से चिकन
गल चुकी है। बहुत गर्म है, अभी देख भी नहीं सकते। बहुत टेस्टी चिकन बनती है पालक चिकन, एक बार बनाकर जरूर देखना। चले तो फिर मैंने ये मसाला पीस कर रखा हुआ है, सारा इसमें ऐड कर दूंगी। सॉरी, बहुत टेस्टी पालक चिकन बनती है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि मैंने पालक और खोपरे का मसाला डाला है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। चले तो फिर टेस्ट करते हैं। इसमें मैं हाफ चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूंगी। मेरी पालक चिकन बनकर रेडी है, मसाला बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी बनी है। मैं थोड़ी देर में इसे ढक कर रखती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ। चले फिर रेडी है मेरी पालक चिकन की डिश। कैसी लगी आपको मेरी पालक चिकन की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे टेस्टी टेबल फूड को सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, और वीडियो मेरा ज़रूर देखना।